नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सुबह सुबह के 5 बजे हैं और आज का ब्लॉग शुरू हो चुका है। देखिए, आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और यहाँ देखिए आप स्टेडियम में सारे लोग रेडी होके आ चुके हैं 5 बजे ही। और देखिए आप, पूरा फील्ड हो गया है तैयार और यहाँ सारे लोग आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर में योग शुरू हो जाएगा और देखिए आप करें योग, रहें निरोग। ये देखिए, इसी संकल्प के पिक के साथ 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और यहाँ देखिए सारा इंतजाम हो चुका है स्टेडियम में, यहाँ से वहाँ तक सब दरियाँ बीत चुकी हैं और लोग आ चुके हैं वाइट ड्रेस में। और इधर प्रोजेक्टर लग चुका है, थोड़ी देर में 6 बजे से योग शुरू हो जाएगा और सभी लोग आए हुए हैं। यहाँ से देखिए आप, ये देखिए इतना खूबसूरती से बैनर लगा हुआ है, करें योग, रहें निरोग के साथ। इधर देखिए आप, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है और बहुत ही बढ़िया। आप सभी लोगों को भी योग करना चाहिए। इधर सब लोग तैयार हो चुके हैं रेडी, वाइट टी शर्ट के साथ। और इधर तैयारियां भी हो ही रही हैं। सुहाना मौसम, ठंडी ठंडी हवा, सुबह सुबह का व्यू आप सब भी देखिए, इतना खूबसूरत लग रहा है। सुहाना सुहाना मौसम और हवा चल रही ठंडी ठंडी, साथ में लोग सब इकट्ठे हुए हैं। और ये देखिए आप, इधर कितना बढ़िया लग रहा है। इधर आ रही है दीदी, ये देखिए, और ये सिखाती हैं योगा। ये है यशपाल आर्या जी की वाइफ। और इधर देखिए बैनर लगा हुआ है, योग दिवस में। हेलो दोस्तों, करें योग, रहें निरोग। देखिए योगा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम भी आ चुके हैं स्टेडियम में, हमारे बाईं तरफ जो बच्चे लाइन में बैठ रहे हैं वो कृपया पर्याप्त दूरी आपस में बना करके बैठे। असम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इधर सारे ऑफिसर्स आ चुके हैं, ये बिछ चुके हैं गद्दे। देखिए ये दोस्तों, देखिए आप कितनी रौनक है आज स्टेडियम में। ऑफिसर्स के लिए गद्दे लग रहे हैं, औरों के लिए दरिया चटाइयाँ बिछी हुई हैं और सारे लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं। फोटो खींच रहा ऊपर ऐसे, ये देखिए आप, ड्रोन खींच रहा है फोटो, घर तक चला गया। इधर देखिए आप, पूरे फील्ड में अच्छी तरीके से सारे लोग पहुंच चुके हैं। और इधर ड्रोन से हो रही है फोटोग्राफी सुबह सुबह।
जा रहे हैं टहलने वाले। और इधर देखिए, ये देखिए, देखो कितनी तेज उड़ा दिया उसने, बैठा दिया ड्रोन, वो बैठा दिया, वो अपने हाथ में ले लिया। ये देखिए इधर दौड़ने वाले बच्चे स्टेडियम में, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा, और अपने स्वास्थ्य के लिए योग अपने जीवन में नित्य योग करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है करो योग, रहे निरोग, अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। ये देखो कि वो आसानी से योगाभ्यास कर सके। पुनः कह रहा हूँ, यहाँ जो कुछ लोग खड़े हुए हैं, सभी सम्मानित लोगों से ये कहना है कि अपना अपने स्थान पर ग्रहण कर लें, और जल्दी कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। और आगे की जो दो लाइनें बनी हुई है, कृपया ये रिजर्व है और अतिथिगणों के लिए है, कृपया आगे की दो रो जो है कृपया छोड़ के बैठे। और अभिनंदन है हमारी मध्य जनपद के जनप्रिय जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी पधार चुके हैं। आप सबसे जो भी लोग इधर उधर खड़े हुए हैं, वह अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जनपद के जनप्रिय जिलाधिकारी महोदय पधार चुके हैं, शीघ्र ही आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मंत्री महोदय हमारे मध्य उपस्थित होंगे। आप सबसे अनुरोध है कृपया शीघ्रता से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबसे अनुरोध है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ये आई बच्चों की टोली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने के लिए। ये देखिए दोस्तों, अब सारे बच्चे सब आ चुके हैं और रेडी हो चुके हैं। ये देखिए योग करने के लिए सब लोग तैयार हो चुके हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये देखिए आप कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं, खोल रहे हैं, उनको जहाँ भी स्थान मिले। अभी बार हमारे मंच के बाईं तरफ बहुत सारे प्लांट खाली पड़ी हैं। आप लोग कृपया शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग शीघ्रता से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। शीघ्र ही आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मध्य उपस्थित होंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप
जाएंगे और अपने ग्रुप के साथ रहेंगे, जिससे कार्यक्रम शुद्धता से और सुगमता से उनको प्रमाण पत्र वितरित किए जा सकें। कृपया ध्यान दें, जिन बच्चों को जिन शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं वह कार्यक्रम के तुरंत बाद मंच से दाहिनी ओर एकत्रित हो जाएंगे। अगर कोई ग्रुप प्रतियोगिता थी तो छात्र अपने ग्रुप के साथ रहेंगे, जिससे उनको सुगमता से प्रमाण पत्र वितरित किए जा सके। संबंधित विद्यालयों के शिक्षक बच्चों को सहयोग करेंगे और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे मध्य आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय बेंच की व्यवस्था देख रहे व्यक्ति कृपया उद्घोषणा स्थल पर संपर्क करें। हाँ भैया, मंच के पास संपर्क करें, पेंट की व्यवस्था देख रहे हैं व्यक्ति कृपया मंच के पास संपर्क करें। आज के इस कार्यक्रम के सूरज के साथ साथ उगते सूरज के संग संग योगाभ्यास हमारे पीलीभीत स्टेडियम में। आज के दशम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे मध्य आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री बलदेव सिंह औरत जी उपस्थित हैं। बरेली मंडल की मंडलायुक्त आदरणीय सौम्या अग्रवाल जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत के जिला अध्यक्ष माननीय श्री संजीव सिंह जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। जनपद के जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी महोदय से भी अनुरोध है कि वो हमारे माननीय मंत्री महोदय को भेजकर उनका स्वागत करेंगे। माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ जिला विकास अधिकारी महोदय को कि वो हमारे मध्य जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय
हो गया। माननीय मंडलायुक्त महोदय के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय जिलाधिकारी महोदय को, क्योंकि वो पुष्प गुच्छ भेजकर माननीय मंडलायुक्त महोदय का हार्दिक स्वागत करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। मैं अनुरोध करता हूँ मुख्य विकास अधिकारी महोदय से कि वो माननीय जिलाधिकारी महोदय को पुष्प गुच्छ भेजकर आज के इस कार्यक्रम में उनका हार्दिक स्वागत करें। और मंडल की कमिश्नर श्रीमती सौम्य अग्रवाल जी, डीएम भेद नगर पालिका की चेयरमैन श्रीमती अग्रवाल डॉक्टर और सभी मंच पर अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे इस विजिट से इस योग एक शानदार योगफल में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, मेरी माताओं बहनों, आज हम 10वें यहाँ पर मिलना हुआ है। मैं पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो योग है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2014 में संयुक्त राष्ट्र में इसका प्रस्ताव रखा और 21 इस योग में समर्पित करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए, क्योंकि अगर तनाव मुक्त और रोग मुक्त आपको अपने रहना है, दिनचर्या करनी है, तो उसको पहला कर्तव्य है कि सुबह उठ के हम लोगों को योग करना चाहिए, हम लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए। तो ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, जब दवाई खाते हैं बहुत सारे लोग जो लगातार योग करते हैं, मेरे ख्याल से तो वो लोग दवाइयों के सहारा नहीं रखते, वो योग पे ही अपना सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, चाहे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, बहुत सारे जो डिजीज है जो अपने शरीर में पैदा होती है उनको दूर करने का काम करते हैं। तो मैं आज इस पावन पर्व पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि सब लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आकर एक संयुक्त रूप से एक हम लोग सब मिलकर इस योग को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये शहर का पूर्व पर लंबी गहरी स्वास्थ्य में और प्रार्थना के स्वर को सभी लोग दोहराएंगे। आइए शुरू करते हैं प्रार्थना।
बैठकर अपने आसन पर बैठे रहेंगे, दोनों पैर आगे, एड़ी और पंजे मिला लें, दोनों हाथ पीछे, दोनों पंजों को अधिक से अधिक आगे लाएं, अधिक से अधिक आगे, अधिक से अधिक अपनी ओर ले जाएं। इन सूक्ष्म क्रियाओं को करने से मेरे शरीर के समस्त जोड़ प्रभावित होते हैं। आगे लाएं, रोकें, पीछे ले जाएं, अपनी ओर लाएं, थोड़ा रोकें, दोनों पंजों को बाईं ओर ले जाएं, एक साथ दोनों पंजों को दाहिनी ओर लाएं, पुनः बाईं ओर और उसके पश्चात दाईं ओर। रिलैक्स, अपने आसन पर एड़ी पंजे मोड़ कर बैठ जाएं, आलती पालती मारकर या पद्मासन जो लगा सकते हैं वो पद्मासन, रीवा चालन करेंगे। रीवा चालन के लिए आंखों को प्रयास पूर्वक बंद रखें, श्वास भरते हुए अपने गर्दन को थोड़ा पीछे की ओर ले जाएं, अनावश्यक जबरदस्ती नहीं करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे बहुत आहिस्ता से क्रिया को करना है, किसी भी प्रकार का प्रेशर, झटका या तनाव नहीं, थोड़ा सा पीछे और उसके पश्चात बहुत आहिस्ता से आगे। क्लॉक वाइज रोटेशन देना, हाँ, बंद रखते हुए थोड़ी थोड़ी नीचे बात करें तो दाने से लाएं, पीछे बढ़ते जाएं बहुत आहिस्ता से और पानी को लाते हुए एक चक्कर लगाएं और यही चक्कर एक बार और दाएं से लगाएं। रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, बाएं से दाएं, एक क्षमता विश्राम आपको बोलते हैं। प्रयास करेंगे अपने आसन पर बिना सहारा लिए उठकर खड़े होने की कोशिश करें, खड़े हो जाए, दोनों पैरों के मध्य सिर्फ 2 इंच का फासला, दोनों पैर मेरे कंधे सीधे हो जाए, करेंगे हाथ पांचों की मिलाकर रखें, ऊपर लाएं और हथेलियों को बाहर की तरफ रखें, हथेली का पृष्ठ भाग सर की ओर होगा, ऊपर की ओर रखे जाएं, दोनों हाथों के मध्य फासला, कंधे के बराबर फासला, पांचों उंगली मिली, ऊपर खींच कर रखें, थोड़ा सा हाथ थोड़ा सा गर्दन पीछे, पूरा खींचने ऊपर, श्वास भरें ऊपर पूरा खुचा, श्वास निकालते हुए दाएं बाएं से वापस, हाथ अभी शरीर से न लगे, बहुत ऐसा से धीरे धीरे वापस, दोनों हथेलियों को अपने कंधे पर रखें, दाएं बाएं से लाएं, कंधे पर स्थापित करें, आगे से कोहनी मिलाएं, चेहरा ऊपर, आंखें बंद, कोहनी ऊपर की ओर ले जाए, दोनों कोहनी अगर नीचे पीछे नहीं लगा, इसे कोहनी ऊपर रखनी है, ऊपर की ओर रखनी, भुजा कान से लगी, हाथ पीछे की ओर लाएं, कोहनी को पीछे की ओर लाएं, नीचे लाएं, आगे से कोहनी मिलाएं, कुछ क्षण रुके पश्चात यही क्रिया, पीछे ले जाएं, हाथ नीचे से कोहनी पीछे ले जाएं, ऊपर लाएं।